रामायण और महाभारत हमारी सनातन संस्कृति के प्रमुख ग्रंथों में से एक माने गए हैं और इनके पात्रों की भी अपनी ही एक अलग महिमा है। आज हम बात करेंगे उन चरित्रों की जो रामायण के साथ साथ महाभारत काल में भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय, यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्तचक्र। हनुमान जी, रुद्रावतार और श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक थे। इन्हीं की सहायता से प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। ये महाभारत काल में भी उपस्थित थे। महाभारत के वन पर्व में भीमसेन की भेंट हनुमान जी से हुई थी। कथा के अनुसार भीमसेन जब सौगंधिक नामक पुष्प लेने जा रहे थे तब अपनी पूछ से भीमसेन का मार्ग रोके हुए हनुमान जी वहाँ सो रहे थे। भीमसेन अपने बल के घमंड में हनुमान जी की पूँछ को पकड़कर उन्हें दूर फेंक देना चाहते थे, परंतु हनुमान जी ने भीमसेन का घमंड चूर चूर कर दिया था। इस पर विस्तार से हमने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। महर्षि दुर्वासा, ये रामायण काल के पहले से ही हैं। ये ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं। रामायण के उत्तर कांड में इनका उल्लेख मिलता है। ये तब श्री राम से मिलने आए थे जब श्री राम भगवान काल से गुप्त रूप से भेंट कर रहे थे और उन्होंने यह घोषणा कर रखी थी कि जो भी उस समय उनकी वार्ता को सुनेगा या देखेगा वे उसे मृत्युदंड देंगे। इन्हीं के कारण श्री राम ने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया था। महाभारत ऋषि दुर्वासा के बिना हो ही नहीं सकती। इन्होंने ही कुंती को देव वशीकरण मंत्र दिया था जिसके कारण पांडवों का जन्म हुआ था। वन पर्व में दुर्योधन के कहने पर ये युधिष्ठिर के यहाँ अपने शिष्यों के साथ भोजन करने आए थे, तब इनके क्रोध से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी। रामवंत, ये रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। इन्होंने श्री राम के साथ राम रावण युद्ध में भाग लिया था एवं इन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वापर युग में श्यामंतक नामक मणि के कारण इनका युद्ध श्री राम के ही दूसरे रूप अर्थात भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। 28 दिन चले इस भयंकर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को परास्त कर दिया था और जामवंत के कहने पर उनकी पुत्री जामवंती से विवाह। परशुराम जी, ये रामायण काल के पहले से ही इस संसार में उपस्थित हैं। इनकी भेंट श्री राम से रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर में हुई थी और वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अनुसार ये श्री राम की परीक्षा लेने अयोध्या आए थे। तब श्री राम ने इनके घमंड दूर किया था एवं इनसे इनका विष्णु तेज छीन लिया था, जिसके बाद इन्होंने भृगु तीर्थ में जाकर अपना तेज पुनः प्राप्त कर लिया था। महाभारत में इनका विशेष स्थान है। ये कौरव पक्ष के 3 महारथी भीष्म, द्रोण और अंगराज कर्ण के गुरु रहे हैं। इन्होंने अपने शिष्य देवव्रत भीष्म से युद्ध भी किया था। महर्षि भारद्वाज, ये रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि के शिष्य रहे थे जिन्होंने रामायण लिखी है। महाभारत में ये गुरु द्रोण के पिता थे। महर्षि अगस्त्य, रामायण में ऋषि अगस्त की भेंट भगवान श्री राम से उनके वनवास काल के दौरान हुई थी। तब महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम को ब्रह्मदेव का एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इन्होंने ही महाभारत में गुरु द्रोण को ब्रह्मशीर अस्त्र प्रदान किया था। मायासुर, ये रामायण काल में रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे। महाभारत में जब श्री कृष्ण और अर्जुन खांडव वन दहन कर रहे थे तो उस समय कुछ ही प्राणी उस विनाश से बच गए थे। मायासुर भी उन्हीं में से एक था। श्री कृष्ण ने उसका वध करने हेतु अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था परंतु अर्जुन के कहने पर उसे छोड़ दिया था। मायासुर ने ही युधिष्ठिर के लिए माया भवन का निर्माण किया था। हमें जितनी जानकारी हो सकी हमने उतने ही पात्रों को आपके सामने रख दिया। अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई हो या फिर हमसे कोई भी पात्र छूट गया हो तो हमें इसके लिए क्षमा करें और फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके अपने ग्रंथ पढ़ें एवं मूल जानकारी आप वहीं से प्राप्त करें। टीवी सीरियल या यूट्यूब के वीडियो पर इतनी आसानी से विश्वास ना करें। धन्यवाद।